हाय गाइस, इस वीडियो में जानेंगे कि फोटोशॉप में किसी भी इमेज पीएनजी या पीएचडी फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं तो क्या क्या सेटिंग करें कि पीडीएफ की साइज कम हो या मीडियम में हो, जिससे एग्जाम फार्म में लगाने में आसानी हो और किसी को शेयर करने में आसानी हो। इसकी सेटिंग के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। चलते हैं स्क्रीन की ओर। दोस्तों, सबसे पहले फाइल में जाना है और इसमें सेव एस पे जाना है। सबसे पहले आपको सिंगल इमेज में कितना फर्क आता है उसके बारे में बता रहा हूँ। उसके बाद मल्टी फाइल को पीडीएफ में कम साइज में कन्वर्ट करने के बारे में जानेंगे। यहाँ पर जो ओपन फाइल है उसी को कम कर रहे हैं, इसे 1.1 नाम दे देते हैं और इसे पीडीएफ में सिलेक्ट कर लेते हैं और सेव एस कर देते हैं। पर इसमें ओरिजिनल क्वालिटी प्रिंट लिखा हुआ है, इसके बारे में मैंने पहले वीडियो बना रखे हैं। इसकी प्रॉपर सेटिंग बताई गई है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्कशन में और आई बटन पर मिल जाएगा। वहां पर जाकर आप इस सेटिंग को अच्छी तरह देख ले। लो रिजोल्यूशन में सेव करना है तो हाई की जगह यहां पर स्मॉल फाइल साइज पर क्लिक कर देंगे और सेटिंग को हम अभी एज इट इज रहने देते हैं और इसे सेव कर देते हैं। लो में और हाई में जो डिफरेंट आ रहा है उसी के बारे में बता रहा हूँ। पहले इसका डिफरेंट देख लेते हैं। देखेंगे तो यहाँ पर जो इसकी फाइल साइज है वह 18 MB शो हो रही है, जो हाई की क्वालिटी है। नीचे वाली फाइल सिर्फ 470 KB की बनी है। अब आप देख सकते हैं कि एक तो 18 MB की है और एक 470 KB की है। मतलब अगर हमारे एग्जाम में या कहीं पे भी 1 MB से कम साइज मांगते हैं वहाँ पर ये साइज लगा सकते हैं। अब इसे ओपन करते हैं तो ये ओरिजिनल की क्वालिटी है और मैं नीचे वाले को ओपन करता हूँ, ये 470 वाली फाइल की क्वालिटी है। अब मेरी ये स्क्रीन 32 इंची की है, फिर भी इसमें कुछ डिफरेंट नहीं आ रहा है। आप देख लीजिए, ये 18 MB की साइज है और ये 470 KB की साइज है, कुछ भी डिफरेंट नहीं लग रहा है। और मुझे लगता है कि इतनी बड़ी स्क्रीन के बाद भी अगर फर्क पता नहीं चल रहा है तो फिर तो इसके बाद 72 इंच की डिस्प्ले आती है उनमें पता लगेगा। इसके कारण ये साइज बहुत ही बढ़िया साइज है। अब मल्टी फाइल के बारे में जानेंगे। मल्टी में कन्वर्ट करने के लिए फाइल पे जाना है और यहाँ पर ऑटोमेट पे जाना है और इधर पीडीएफ प्रेजेंटेशन का ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक कर देना है। जो कंप्यूटर के अंदर फाइल है उसे लेना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, पीडीएफ में कन्वर्ट करना है तो मैं इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर इसे ओपन कर देता हूँ। इन्हें सिक्वेंस से जमाने के बारे में मैंने पहले बता रखा है। अभी मैं इसे सेव कर देता हूँ। इसके बाद सेव की लोकेशन पूछेगा, हम लोकेशन डेस्कटॉप पर डाल देते हैं, मेरा 1 कर देता हूँ और इसे सेव कर देता हूँ। ऐसी स्क्रीन आने के बाद इसे स्मॉल साइज में सिलेक्ट कर लेते हैं और सेव पीडीएफ कर देते हैं। अब दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जो अजमेरा की जो ओरिजिनल साइज थी उसकी 20 MB की फाइल है और यहाँ पर यह 1.86 MB की फाइल है। इसमें बहुत डिफरेंट आ गया है। ये देखो आप, इसकी ओरिजिनल क्वालिटी है और ये इसकी 1.86 MB की क्वालिटी है। ज़्यादा कुछ इसमें डिफरेंट नहीं है, मुझे तो कुछ भी डिफरेंट नहीं लग रहा है। इसके बाद और कुछ सेटिंग के द्वारा आप और भी साइज कम करेंगे तब डिफरेंट लगेगा। इतने पेज होने के बाद भी ये सिर्फ 1.5 MB में फाइल बन गई है और एग्जाम फार्म में अधिकतर 5-7 पेज ही होते हैं और वह फाइल अगर 1.5 MB में बन जाए तो उससे बेहतर तरीका और कुछ नहीं हो सकता। गाइस, हमें अगर इससे भी कम साइज में सेव करना है तो जैसे सिंगल इमेज है और इस फाइल को सेव करेंगे, हमें यहाँ पर पहले इसे स्मॉल साइज में सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर कंपैटिबिलिटी में इसको 4 कर देते हैं। इसके बाद कंप्रेशन में जाएंगे और जहाँ पर इसके 100 पिक्सल है वहाँ पर अगर आपको जितने भी साइज में कम करना है उस हिसाब से कम कर देना है। अभी यहाँ पर 100 है तो मैं यहाँ पर 10 ही कर देता हूँ, ये 10 पिक्सल में कन्वर्ट हो जाएगी। अब देख सकते हैं कि ये फाइल सिर्फ 1.37 KB में बन गई है। अब इससे कम फाइल क्या आएगी और इसकी क्वालिटी आप देख सकते हैं, जो ये क्वालिटी है वह इसकी है, ये 1.86 क्वालिटी है और ये 18 MB क्वालिटी है। इस तरह आप मल्टी फाइल को भी इसे कम कर सकते हैं, लेकिन इतने ही कम करें जहाँ से इसकी क्वालिटी ज़्यादा गिरे नहीं। अगर आपको इस वीडियो में थोड़ी बहुत भी जानकारी मिली है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।